आज हमारे साथ मनीषा गुप्ता दीदी की शेयरिंग है। हम सभी मनीषा गुप्ता दीदी को जानते हैं। दीदी की वॉइस हम सबने सुन रखी है। उसके अलावा विभिन्न स्तरों पे दीदी रेगुलर वॉलंटियरशिप करते जा रहे हैं। ब्रीफ में अगर मैं दीदी के बारे में बताना चाहूँ, दीदी इस समय प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अलौर खन्ना में। मोर देन 21 ईयर्स का टीचिंग और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है और इस पूरे विषय वस्तु को स्वयं में समझने जांचने परखने में दीदी मोर देन इफ आई रिमेम्बर 9 ईयर्स से लगे हुए हैं और एज ए वॉलंटियर इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है सेल्फ डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा मनीषा दीदी का। जी मनीषा दीदी नमस्ते, ओवर टू यू। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जैसे भैया ने बताया, मैं खन्ना पंजाब में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। और जहाँ तक UHV की बात है, 2014 में मैंने पहले कंटेंट को सुना था, लेकिन उसके बाद वैसे ही चलता रहा। मैं मतलब कंटेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सब कुछ एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन मेरा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2020 जुलाई से मैंने वॉलेंटियर किया, जब लॉकडाउन लगा दोबारा ऑनलाइन वर्कशॉप की और फिर मीटिंग्स भी ज्वाइन की, और फिर 2020 जुलाई से मैंने वॉलेंटियर करना शुरू किया था। और फिर वॉलेंटियर करते करते मतलब फिर भी बाकी सारी जिम्मेदारियों को देखते देखते मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रही थी। मतलब मेरी मैं अपनी सारी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही करती जा रही थी। फिर दिसंबर 2021 से जब से थोड़ा सा कंटेंट को रखने का प्रयास करने लगी हूँ, तब से ही एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है ना। पहले तो सब मान्यतावश ही हो रहा था। एक्सरसाइज भी मैं 4 बार ज्वाइन कर चुकी हूँ। जब से मॉर्निंग सेशन शुरू हुआ है मैं तभी से जुड़ी हुई हूँ। जब पहले एक्सरसाइज की थी तभी भी शेयरिंग रखी थी, जो तब तक कुछ समझ में आया था वो मैंने रखा था। दूसरी बार भी जो समझ बनी थी वो रखी थी, और आज भी जो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाई हूँ उसको रखने का प्रयास करूँगी। और अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो स्टेप 1 में मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि जब पहली बार कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मतलब बनने लगी थी तो मतलब कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है हर एक्सरसाइज के सत्र में। कुछ कुछ पहले बिल्कुल ही इमेजिनेशन को ऑब्जर्व नहीं, इमेजिनेशन चल रहा था ऐसा तो अब देख पाती हूँ, लेकिन उसके प्रति अवेयरनेस तो बहुत बिल्कुल ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज की थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, अब थोड़ा ये देख पाती हूँ कि 4 बार करने के बाद घटना के वक्त भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन बनी रहती है, पर वो कंटिन्यूटी में हर क्षण नहीं होती है। तो जैसे पहले जो भाव थे उनको मैं इस रूप में देखती थी कि मतलब ऑपोजिशन की फीलिंग है, परेशानी की फीलिंग है कि आराम की फीलिंग है, पर शायद अब पर्पस को रिलेट करके डिजायर तक है ना, भाव तक कई बार पहुंच पा रही हूँ और कई बार देख भी नहीं पाती बहुत क्लियर से। और ये तो 100% दिखता है कि इमेजिनेशन जो है वो हर क्षण हर पल चलती है। और पहले ऑब्जर्व करते हुए प्रतिक्रिया होती थी, जैसे भैया कहते थे कि रिएक्शन ही करना, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया होती थी मैं जैसे ही कुछ गलत दिखता था भाव को हटाने का प्रयास होता था, लेकिन अब थोड़ा तटस्थ रूप में देख पाती हूँ। पर अभी भी जब इमेजिनेशन पर फुली अवेयर नहीं होती तो फिर मतलब जब मतलब इमेजिनेशन पर फुली अवेयर होती हूँ तो कई बार ऐसी भी फीलिंग बनती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शरीर का तो जरूरत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती तो फिर शरीर सापेक्ष जीना ऐसा भी दिखता है। और ऐसा भी होता है कि एक पल तो ऑब्जर्व कर रही हूँ तटस्थ रूप से,
लेकिन अगले ही पल उसको लेकर कुछ पुरानी एक्सेप्टेंसीज हैं या फिर कोई फ्यूचर कंसर्न है उसके बारे में ध्यान बनने लगता है, लेकिन फिर अगले ही क्षण ये डिसीजन वापस से आ जाता है कि दृष्टा के रूप में देखना है ना। तो इसलिए घटना के वक्त तो कोई आउटर रिएक्शन तो नहीं होता है, पर इनर रिएक्शन भी हो रहा है लेकिन बहुत कम है, इवैल्यूएशन के रूप में ही शायद दिखता है। लेकिन इवैल्यूएशन भी काफी काफी देर के बाद देखने को होता है, मतलब चलते फिरते करती हूँ, बैठ के नहीं करती, शायद इस वजह से कुछ दिनों के बाद ही इवैल्यूएशन होता है ना। और जब भी इवैल्यूएशन होता है तो फिर संस्कार भी दिखते हैं, और बहुत बार ऐसा दिखने को आया कि मतलब जो संस्कार मुझे अपने में दिखाई दिए हैं कि बहुत बार भाव के अभाव के कारण मैं बाहर से सुख पाना पाने की कोशिश करती हूँ, और कुछ कंडीशंस में ऐसे दिखे है कि जो कंडीशंस दिखी हैं वो अब तो थोड़ी कमजोर होती हुई भी दिखी हैं। और पहले ऐसा ही लगता था कि ईगो बहुत कम है, मतलब मुझ में अहंकार नहीं है, शायद कोऑपरेटिव हूँ और एडजस्टेबल हूँ, एडजस्ट करती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि वो दबाव की वजह से या प्रभाव की वजह से होता था, जो मैं स्पेशल हूँ है ना, मैं अच्छी हूँ, ये वाला संस्कार मुझे बहुत जगह दिखाई दिया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी जब भी ये दिखाई देता है तो एक सुख में और आराम की स्थिति में मुझे लगता है कि मुझे महसूस होती है। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हूँ, डायरेक्टर वाली जॉब में हूँ, तो सेशन शुरू होते ही कई टीचर्स छुट्टी के लिए जैसे आते हैं, और काफी काफी दिन की 10 10 12 दिन की छुट्टी, उनको परिवार में कोई फंक्शन है या कोई इस तरह कोई कार्यक्रम है तो वो मांगते हैं। तो मैं फीलिंग से उनको कई बार समझाने का प्रयास करती हूँ कि हमको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए चीजों को, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हर जगह है, कॉलेज में भी है, परिवार में भी है, और हम परिवार में चीजों को समेट के चल सकते हैं है ना, क्योंकि सेशन शुरू है, बच्चों का पढ़ाई का लॉस ना हो, तो इसलिए हमको थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर चलना चाहिए, दोनों तरफ पार्टिसिपेशन जरूरी है ना। तो ऐसी बात करके कुछ लोग मतलब इस चीज को रिलेट भी कर पाते हैं और फिर मतलब ऐसा कर भी पाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते और बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं तो उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन की फीलिंग बनी, उनको कुछ कहा तो नहीं बट इंटरनली बहुत सारे विचार चलते हैं है ना। और मतलब लेकिन इंटरनली जब उसको देखने का प्रयास करती रहती हूँ तो फिर मतलब तब भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन की फीलिंग बनती रहती है। जब थोड़ा थोड़ा कुछ दिखता है, इंटरप्रेट होने लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपेक्ट करने लग जाती हूँ, और ऐसा भी दिखा कि फिर ये डिसाइड करती हूँ कि आराम से फीलिंग के साथ मीटिंग में किसी फैकल्टी मीटिंग से ये बात आराम से रख दूंगी ना, लेकिन फिर भी अपोजिशन का भाव अपने अंदर दिखाई दिया मुझे। फिर ऑब्जर्व करते करते मैं ये देख पाई कि क्योंकि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और दूसरे के एक्सपेक्टेशन से परेशान हो रही हूँ, तो फिर धीरे धीरे दिखा कि मुझ में वो स्पेशल होने का, कि मैं आई एम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ, ऐसा संस्कार, ऐसा एक एक्सेप्टेंस बन गया है ना। जैसे ही मुझ में ये इवेल्युएशन हुआ तो मैं बड़े आराम में बन गई, और फिर मुझे दूसरे की ये भी यही बात की इंटेंशन तो उसकी साउंड ही है, थोड़ी कॉम्पिटेंस की योग्यता की कमी है, तो एक ही बार समझाने से ऐसा नहीं होगा ना, तो धीरे धीरे वो भी कर पाएंगे, मुझे भी बहुत टाइम लगा, तो ऐसा सोच के ही मुझे आराम हो बना अपने में, और फिर मुझे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आई कि उनकी वजह से मैं ये इस चीज को ऐसे इवेल्युएट कर पाई। तो मतलब इस तरह से मैं इवेल्युएट थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ, और
मुझे अपनी कंडीशनिंग्स और संस्कार भी थोड़े थोड़े पता लगते हैं, और फिर जब पता लगते हैं तो बहुत आराम भी दिखाई देता है, और जब आराम भी दिखता है तो फिर दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव भी बनता है, और फिर ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही सब जो स्थिति परिस्थिति और लोग हैं वो बहुत हेल्पिंग है मुझे, मतलब मेरी जो कंडीशनिंग है वो मुझे दिखाई देती है। कई कई बार अपने अंदर आराम की और ना शांति की स्थिति भी महसूस होती है। अगर स्टेप्स को देखो कि कितनी स्टेप्स को देख पाती हूँ, तो अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करना तो बन रहा है, लेकिन हर क्षण नहीं बन रहा है। और फिर विचारों को देखना और उसके पीछे विचारों को देखना और भावों को देखना इकट्ठा इकट्ठा ही चलता है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती हूँ तो भाव तक पहुंच पाती हूँ। और फिर ये भी दिखता है कि प्रतिक्रिया बहुत करती हूँ, लेकिन बहुत करते ही दूसरी पल में ऑब्जर्व करने का डिसीजन फिर से बनता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो Step 3 है कि भाव जो है सहज है कि असहज है, मुझे वो Step 1 लगता है अपने लिए। क्योंकि तो मुझे जब भी ऑब्जर्व करती हूँ, मतलब जब भी कभी असहज होती हूँ तभी अवेयरनेस के प्रति फिर जागरूक, मतलब अपनी इमेजिनेशन के प्रति फिर अवेयर होती हूँ। तो सबसे पहले तो असहज दिखता है या सहज दिखता है, फिर मैं देख पाती हूँ कि मुझ में क्या चल रहा है भाव विचार। फिर धीरे धीरे करके भाव को पकड़ पकड़ना, और फिर उसके उस फिर उसमें भी अगर प्रतिक्रिया होती रहती है तो आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन अगर तटस्थ रूप से देख पाती हूँ तो फिर अपने संस्कार को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ पाती हूँ। तो यहाँ फिर मैं जो एक्सरसाइज 2 का Step 5 है, मैं उसको यहाँ रिलेट कर पाती हूँ कि मैं दूसरे का व्यवहार है ना, जो उस मतलब उसको लेके अपनी जो संस्कार है या मेरी जो कोई एक्सेप्टेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करती हूँ, तो फिर मुझे अपने संस्कार दिखाई देने लगते हैं। और फिर मतलब मुझे ये भी फिर नजर में आता है कि जो मुझे सहज स्वीकृत भाव ही अच्छे लगते हैं, मतलब उसी में ही मैं आराम में होती हूँ। और मतलब को एग्जिस्टेंस संबंध और ये जो भाव है यही मुझे सहज स्वीकारे होते हैं, और इसी में ही मैं आराम में बनती हूँ, तो ये भी मैं रिलेट कर पाती हूँ। और फिर जब ऐसा भाव बनता है, सहस्तित्व का भाव बनता है या संबंध का भाव बनता है, तो फिर दूसरे के प्रति और सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव भी बनता है। और जो भी जिसकी वजह से, जिस घटना की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से ये भाव बनता है, उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी बनती है। तो ये हर वक्त नहीं हो पा रहा, जब भी अवेयरनेस के साथ होती हूँ तभी हो कर पा रही हूँ। और अवेयरनेस पहले से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट अभी भी बहुत काम आगे करना दिखता है। और अगर एक्सरसाइज 2 की बात करती हूँ, तो अपने को, सेल्फ को, अपने होने को क्रियाओं के आधार पर ही देख पा रही हूँ। शरीर को संवेदनाओं के आधार पर ही थोड़ा अपने से अलग देख पाती हूँ। संवेदना मुझ में है के शरीर में है, तो ऐसा ऐसा कई बार महसूस हुआ है कि संवेदना मुझसे अलग है और मैं डिसीजन लेती हूँ तो पढ़ पाती हूँ, लेकिन तीव्र संवेदना जब होती है तो फिर वो मुझे अफेक्ट करती है। तो मतलब मैं उसमें कई बार ऐसा भी दिखा है कि अपने शरीर को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगती हूँ, जैसे हृदय गति मेरी बढ़ जाती है जो कोई तीव्र संवेदना को देखने का प्रयास करती हूँ। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि निर्णय पूर्वक कहीं और ध्यान मतलब हटा लेती हूँ, कहीं और लगा लेती हूँ, तो फिर वो संवेदना को मैं मतलब वो मुझे जो तीव्र संवेदना है वो भी नहीं पढ़ पाती, फिर मैं मेरा ध्यान दूसरी जगह हटा लेती हूँ मैं। और फिर जब अवेयर होती हूँ तो सेल्फ और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है मैं उसको भी देख पाती हूँ। जहाँ तो बहुत सारी चीजें हैबिचुअल हैं,
वहां तो बहुत बारीकी से देखें तो ही देख पाती हूँ ना, लेकिन और जब उन चीजों में तो एक्शंस को स्लो करती हूँ तभी दिख पाता है कि, और ऐसा भी कई बार हुआ कि जो एक्चुअल काम है उसको अगर ध्यान से स्लो करके देखो तो ये दिखता है कि जैसे शरीर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दी और एक स्टेप किया, एक एक मतलब काम किया, तो उसके तुरंत साथ साथ ही सेल्फ में दूसरे काम का मतलब कुछ कुछ विचार चलना शुरू हो जाता है और अगले स्टेप का डिसीजन होने लगता है, और ये बड़ी फास्ट फास्ट शरीर को इंस्ट्रक्शन भी चला जाता है। अब अगर धीरे धीरे देखें तो वो जो हैबिचुअल काम है ना उनमें भी मुझे ये पकड़ में आ रहा था कि डिसीजन सेल्फ में हो जाता है और साथ के साथ इंस्ट्रक्शन चला जाता है, बट अगर अवेयरनेस नहीं रहती या बारीकी से नहीं देखते तो सब ऑटोमेटिक ही हो रहा दिखता है। और जब अवेयरनेस रहती है ना, प्रेजेंस की कंसंट्रेशन रहती है, तो मैं उसी काम को मैं देख पाती हूँ कि बहुत कम समय में भी खत्म कर देती हूँ ना। ऐसा लगता है कि सेल्फ में नेक्स्ट नेक्स्ट डिसीजन हो रहे हैं और शरीर को इंस्ट्रक्शन मिल रही है और फिर फटाफट फटाफट वो काम मैं करती रहती हूँ। लेकिन ऐसा भी दिखा कि जब अपने में इमेजिनेशन में विचारों में विचार चलते रहते हैं ना और शरीर का ध्यान नहीं रहता तो फिर मतलब बिल्कुल शरीर का होना ही नहीं दिखता और ये भी नहीं पता लगता कि इंस्ट्रक्शन जा रही है। फिर तो कई बार ऐसा हुआ है, एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे रियलाइज कराया कि मैंने अपना टूथब्रश जो है डस्टबिन में डाल दिया ऐसा भी होता दिखता है। और जो संवेदना है वो सूचना है जो मुझ तक पहुंच रही है ये भी दिखाई कहीं कहीं दिया है, लेकिन जब एक्सट्रीम पेन होती है तब तो इफेक्ट होती है। और ऐसा भी लगता है कि फिर मैं रिस्पॉन्स करती हूँ ना, रिएक्शन नहीं करती हूँ, और कभी 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 रिएक्शन भी दिखा, जैसे हृदय गति बढ़ती है तो ऐसा रिएक्शन भी दिखा है। और इंस्ट्रक्शंस और डिसीजन नहीं ले मतलब डिसीजंस नहीं लेती हूँ और इंस्ट्रक्शंस भी दे दे पाती हूँ, यहाँ मतलब देख पाती हूँ काफी जब अवेयरनेस के साथ और सूक्ष्मता के साथ देखती हूँ, लेकिन बहुत जगह तो ऑटोमेटिक ही दिख रहा है। और कहीं कहीं ये भी देख पाती हूँ कि जब आवश्यकता होती है तभी मैं बॉडी के साथ ना कोई भी आदान प्रदान करती हूँ है ना, और मैं ऐसा भी देख पाती हूँ कि मैं शरीर को साधन की तरह प्रयोग कर रही हूँ ना, क्योंकि जब ऐसा मैं देख पाई कि जब सेल्फ में मैं अच्छी स्थिति में होती हूँ, हार्मनी की स्थिति में होती हूँ, मतलब कोई भी अंतर्ध्वन कोई ऐसे विचार नहीं चल रहे होते, तो फिर मैं शरीर से बहुत सारा कार्य ले पाती हूँ। मतलब जैसे बहुत सारे सेल्फ में डिसीजंस के साथ मैं फटाफट शरीर से कार्य ले पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी दिखा है कि कई बार सेल्फ में डिसीजंस के साथ मैं शरीर को आराम भी देती रहती हूँ, जैसे सुबह कभी कभी नहीं उठने का हो तो सेल्फ में इंस्ट्रक्शन होती है तो शरीर नहीं भी उठता, तो ऐसा भी मैं देख पाती हूँ। और इससे जो मुझे मेरा संस्कार बहुत गहरा संस्कार था उसमें थोड़ी सी कमी दिखती है कि मैं बहुत प्लानिंग के साथ हर कार्य को हर एक्शन को करती थी और दबाव भी बना रहता था, और एंड मोमेंट पे अगर कुछ भी ऑन द स्पॉट आते थे चीजें तो बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप को शिथिल महसूस करती थी कि ऐसा ब्लॉक हो जाता था कि मैं सोच ही नहीं पाती थी कि अब इस चीज को मैं कैसे करूंगी, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ करती थी तो दबाव बनता रहता था, अनप्लान चीजें कर ही नहीं पाती थी। तो लेकिन अभी जब ये मैं देख पाती हूँ कि अगर मेरे अंदर हार्मनी होती है तो मैं शरीर से बहुत कुछ करवा सकती हूँ, तो फिर मैं इस चीज से काफी निकली हूँ और मैं अभी हर चीजों को प्लान तो करती हूँ, लेकिन अगर एंड मोमेंट पर भी कोई भी काम या कोई भी कुछ भी करना पड़ता है या अनप्लान्ड
प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं, तो मैं फिर उसको भी मतलब अपने सेल्फ में देखकर हारमोनियसली शरीर को इंस्ट्रक्शन देकर मतलब मैं कर पाती हूँ, और बहुत ऐसा लगता है कि तेज तेज गति से कर पाती हूँ। फिर जो काम मुझे लगता है कि पहले 4-5-6 घंटे में भी नहीं कर पाती थी, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये भी मुझे मैं देख पा रही हूँ। मैंने पहली शेयरिंग में भी ये शेयर किया था कि पहले मुझे बहुत हेडेक रहता था, साइनस रहता था, और कॉलेज से आती थी तो बहुत शरीर थका रहता था, जो घर के काम भी थे उनको करते हुए भी भाव बना बिगड़ता रहता था। लेकिन ये तो पहले ही जो एक्सरसाइज की थी, फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम, तो वहां मेरा ठीक हुआ था धीरे धीरे, और ये ठीक हुआ है। और अब तो ऐसा दिखता है कि हेडेक मतलब हुआ, देख पाती हूँ कि इंटरप्रिटेशन तो मैं ही कर रही हूँ, जो भी सूचना आती है बाहर से, दूसरे का व्यवहार आता है उसको इंटरप्रेट मैं ही करती हूँ, बट बहुत कम्प्लीटली एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बारीकी से नहीं देख पाती हूँ, ओवरऑल ही देख पाती हूँ। जैसे इसमें एक बहुत बड़ी मेरे लिए जो जो घटना मैंने अपने रिलेट की थी, तो जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आते थे घर पे जब भी, तो वो मतलब कुकिंग करते थे यहाँ आके, तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना मतलब मठियां बनाना, तो मेरे परिवार के लोगों को अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा यही इंटरप्रेट करती थी कि क्योंकि वर्किंग होने के कारण मैं ना मतलब मेरा बहुत ज्यादा रुझाव भी नहीं था चीजों को बना के पकवान खिलाना, तो वो मुझे थोड़ा सा टीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करती है, मैं उसको हमेशा ऐसा लेती थी, और इस वजह से उनके लिए ऑपोजिशन की फीलिंग काफी बहुत बनती थी हर बार, और वो रिएक्शन भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में जाता था। लेकिन इस बार मतलब काफी दिन हो गए हैं, मतलब जब वो आए तो वो संबंध का भाव मुझे बना था, तो मैं ये देख पाई कि वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री ही है ना। तो अगर परिवार को अच्छा लग रहा है तो, और बनाते हैं तो मेरी एक सपोर्ट है कि मैं नहीं बना पाती तो वो बनाते हैं। तो इस तरह से मेरे को लगा कि मैं ही गलत इंटरप्रेट करती थी, वो तो यहाँ आके भावना से सबको बना के खिलाते हैं, लेकिन मैं गलत इंटरप्रेट करती थी। तो जैसे ही ये इवेल्युएशन मुझमें हुआ और ये संबंध का भाव, कॉम्प्लीमेंटेरिटी की फीलिंग मुझमें बनी, तो मुझे देख लगा कि मैं बहुत आराम, तो वही कि मतलब मैं इंटरप्रेट तो मैं ही गलत करती थी, और इससे मुझे खुद में इतना आराम बना, और मुझे ऐसा लगा कि कितनी छोटी सी बात थी, हम कितने भ्रम में रहते हैं, कितनी अननेसेसरीली इंटरप्रिटेशन करते हैं, कि ऐसा मुझे बहुत सुख 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 महसूस हुआ। तो इस तरह से मैं मतलब स्टेप 5 और 6 को तो मिक्स करके ही देख पाती हूँ। बहुत सूक्ष्मता तो नहीं बनी है, बट दिखता है कि संवेदना को और दूसरे के व्यवहार को अर्थ मैं ही देती हूँ। और कभी कभी ये एक जगह बात भी हुई कि जो संवेदना को अर्थ देकर आगे करना क्या है, मतलब अगर उसको मानवीय परंपरा के अर्थ में, मतलब कॉन्टिन्यूटी के अर्थ में देखें ना, तो एक घटना में मैं उस चीज को विचारों में चलाकर भी एक जिम्मेदारी से डिसीजन ले पाई थी। कॉलेज में एक स्टूडेंट ने मतलब हॉस्टल में ड्रिंक किया था और टीचर के साथ मिसबिहेव किया था, तो मैंने सभी कमेटी में बैठ के उसको रस्टिकेट करने का डिसीजन हुआ था। लेकिन मैंने साथ साथ इसको इस तरह देखा कि आगे उसका क्या, मतलब इस तरह से उस बच्चे में कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, ये मुझ में ध्यान बना रहा। ये ऐसा मुझे ध्यान बना रहा तो मैं ये डिसीजन ले पाई कि मैंने उस बच्चे को बुला के कहा कि आप अपने फादर को लेके आइए, और फिर ये उनसे अपोलॉजी लेने के बाद हमने बच्चे के लिए एक प्रोजेक्ट सोच पाई मैं कि आप हर सैटरडे को पब्लिक में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे ड्रिंकिंग के बारे में ना, सेफ ड्राइविंग के बारे में, मतलब इस तरह से आप पब्लिक प्लेस पे जाके आपने ये नहीं बताना कि कोई पनिशमेंट है, आप यही बताएंगे कि मतलब मेरे को इस चीज का रियलाइजेशन, मतलब मैं इस चीज को देख पाया हूँ कि ड्रिंकिंग इज नॉट गुड। तो उस तरह से आप पब्लिक में जाके
अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, तो मतलब 4-5 हफ्ते तक आप ये काम करेंगे तो आपको फिर हॉस्टल में हम वापस ले लेंगे। तो इस तरह से मैं ये देख पाई कि आगे किस तरह से किसी भी स्टूडेंट के लिए हम कंटिन्यूटी में जो काम कर पाए या उसकी डेवलपमेंट के लिए जो काम कर पाए, ऐसा मैं सोच पाई। ये ध्यान मुझ में बना रहा, ये बात मुझ में विचारों में चलती रही कि कोई भी किसी को भी चीजों को अर्थ देना और उसके बाद जो डिसीजन लेना है, तो वो शायद अगर ऐसा हो कि जो कंटिन्यूटी के अर्थ में है, कंटिन्यूटी के अर्थ में हो तो वो ठीक रहेंगे, तो ऐसा मैंने देख पाई। फिर स्टेप 7 को देखती हूँ तो विचारों में तो चलता ही है, विचारों में तो शून्य के होने का, शून्य के सह अस्तित्व में हमारा बने रहने का एक्सेप्टेंस होता ही है। और विचारों में चलाते रहने से भी बहुत ज्यादा एक अच्छी फीलिंग बनती है, ये भी मैं देख पाती हूँ। मैं शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, संबंधित हूँ, सबके प्रति जिम्मेदार हूँ, ये सब विचारों में तो घूमता ही रहता है और अच्छा भी लगता रहता है, बट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल नहीं है। और फिर जब चौथा पॉइंट है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है ना, तो इसमें सुख स्वभाव है, इंफॉर्मेशन तो है ये और स्थिर भी हो गई है, लेकिन विचारों में ही है, भाव में तो बहुत बार अभी भी बाहर से है ना प्रभाव या भाव मिलता है तो सुखी होती हूँ, बाहर से भाव मिलता है तो सुखी होती हूँ ऐसा दिखता है। घटनाओं के दौरान जब ऑब्जर्वेशन हो रही होती है तो दिखाई देता है कि मैं बाहर से भाव पाने का प्रयास हो रहा है, मतलब एक दो इवेंट्स में तो बहुत डायरेक्टली रिलेट कर पा रही थी, और उसके पीछे का जो संस्कार था वो भी मुझे दिखाई दिया, और वो संस्कार थोड़ा थोड़ा वीक भी हुआ है पर अभी भी वापिस से आता है। हर बार जब भी देख पाती हूँ ना तो उसमें यही दिखता है कि किसी घटना या व्यक्ति से भाव पाना हो रहा है, और उस घटना और व्यक्ति के प्रति फिर जब ये दिख पाता है कि मैं बाहर से भाव पाने का प्रयास कर रही हूँ, तो फिर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है कि यहाँ से मुझे अपने संस्कार को देखने में, मूल्यांकन करने में हेल्प हुई, और फिर यही विश्वास बनता है कि मुझे आगे और समझना है, और फिर ये भी विश्वास बनता है कि सभी मेरे सहयोग में हैं। तो और ऐसा भी बहुत बार लगता है कि अनअवेयरनेस में सुख पाने का प्रोग्राम भी, बाहर से सुख पाने का प्रोग्राम भी बनता रहता है, लेकिन अनअवेयरनेस में बनता है ऐसा भी देख पाती हूँ। भोजन में भी संवेदना से सुख पाने का प्रोग्राम बना ही लेती हूँ, ये भी देख पाती हूँ। तो मतलब काफी इसमें तो गति करने की जरूरत है ऐसा लगता है मुझे। और मतलब अब अगर कमिटमेंट की बात करूं तो 2 घंटे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तो लगा ही लेती हूँ, सुबह का सेशन सुनती हूँ और बीच बीच में भी कुछ कुछ सुनती हूँ, है ना, अभ्यास भी है, अध्ययन भी है, मिक्स करके अगर मैं देखूँ तो 2 घंटे का टाइम तो निकाल पा रही हूँ। और बाकी कॉलेज की और घर की परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ साथ लेते हुए मुझे लगता है मैं 1 ही घंटा टीम डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट में, जिसमें मीटिंग भी अटेंड करती हूँ या किसी से बात भी करती हूँ, वो सब मिला के 1 ही घंटा निकाल पाती हूँ, कभी कभी 2 घंटा हो जाता है। और इसके साथ मतलब दिन भर अवेयरनेस जब जब भी लौटती है तो कुछ कुछ अभ्यास करने का काम भी कर लेती हूँ, अध्ययन करने का भी कर लेती हूँ, लेकिन मतलब प्रायोरिटी तो बनती है पर हर वक्त नहीं बनती, ऐसा भी दिखता है। तो इसी के साथ मैं सभी के प्रति, पूरी टीम के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव है मेरे में कि ये जो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ, ये UHV टीम के साथ जुड़ने के कारण हो पा रहा है, वरना बहुत सारे शुरू से धार्मिक विचारों के होने की वजह से सब कुछ मान्यताओं में मान के ही रखा हुआ है। बहुत सारी मान्यताओं को जो ग्रंथों में या धार्मिक विचारों में मतलब मुझ तक पहुंची थी, मैं थोड़ा थोड़ा उनको इवेल्युएट भी कर पाती हूँ, लेकिन 100% कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी भी अभ्यास करने का तो मन बनता है ना, कुछ कुछ आगे मतलब गति होती भी महसूस होती है,
और ऐसा दिखता है कि जब भी अध्ययन अभ्यास और पार्टिसिपेशन एक साथ होता है तो गति ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा ऐसा इकट्ठा हो नहीं पाता है। तो इतना ही भैया शेयर करूंगी जी। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी, जैसा कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है, बहुत ही सहज भाव के साथ, बहुत ही सरलता से आपने आपका जो चेंज आप में हुआ है उसको नोटिस किया, और बहुत बारीकी से आपने जो पॉइंट्स में जो आपको दिखा है वो सामने रखा। मुझे लगता है बहुत बार हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि पहले तो हम ऐसे थे और अब हम ऐसा हो गए, अब हम समझ गए हैं। तो ये बात भी आपने बहुत क्लियरली रखी कि फर्स्ट टाइम क्या दिखा, सेकंड ये ना कैसे आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, और अभी कुछ दिख रहा है और आगे काफी कुछ दिखना है, ऐसा सब आप बहुत अच्छे से बता पाए। इस चीज में आई थिंक बहुत लोगों को सहायता मिलेगी। इवन जो आपने जो कुछ डिटेल्स बताए जो हम एक्सरसाइज में पॉइंट वाइज रखते हैं, बट एक्सपीरियंशियली बहुत बार ऐसा होता है, जैसा कि आपने कहा कि भाव उस भाव के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ, ये कभी कभी फर्स्ट स्टेप जैसा लगता है कि ध्यान अवेयरनेस होने का जो एक ट्रिगर है या ध्यान उस पर तब जाता है जब हम असहज हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, तब ध्यान जाता है उस पर। तो ये चीजें बहुत जो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया वो आप बता रहे हैं, तो औरों को भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी आपकी शेयरिंग में, जैसा मुझे लगा कि अपने एक्सपीरियंसेस से आपने जो बात रखी सामने और जो उदाहरणों के साथ आपने अपनी बात को रखा, उससे एक तरीके से एक लर्निंग या एक इंस्पिरेशन औरों को भी मिलेगा कि हम भी इस तरह से उसको देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स तो अपने पास है ही सब, लेकिन उस पे और अच्छे से जब ध्यान जाता है और अपने अंदर जब दिखता है, तब उसका जो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन हो जाता है वो, जैसे कि आपने मेंशन किया कि जब आपको दिखा कि ना आपने अपना भाव ठीक रखा, तो एकदम से आपको आराम हुआ उस चीज का, जब आपके सिस्टर इन लॉ थे या ना रिलेशनशिप का भाव जब आप देख पाए, तो ये सब चीजें अक्सर हम जब विचार के लेवल पर सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे को ऐसा दिखा रहे हैं, तो जब आपको ये दिखता है कि आराम में आए और पहले हम आराम में नहीं थे, तो आप उसमें और थोड़ा आगे देख सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं देखने की कि हमें वैसा भाव पहले क्यों आया। तो जैसा कि आपने कहा ना, कभी हमको लगता है कि हम स्पेशल हैं या इस टाइप के संस्कार हैं, तो ये भी बहुत सबके लिए यूजफुल है कि हम जब हमारा भाव बिगड़ता है, हम उसको देख पाते हैं कि हमारा भाव बिगड़ा, अभी हम ना जब देख रहे हैं तब तो आराम में है, लेकिन जब वो बिगड़ा था उस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। फिर हम जब हम पूछें कि हमारा भाव क्यों ऐसा बना, तो फिर उससे वो आगे संस्कार की तरफ ध्यान जाता है। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत
दीदी, इसमें मैं ये भी संस्कार देख पाई कि मुझ में अपने में ही ये भाव बना हुआ था कि इन माय फैमिली नोबडी लाइक्स माय जॉब, मतलब दे डोंट लाइक दैट आई शुड डू द जॉब। तो इसी मतलब कंडीशनिंग की वजह से मैं बहुत बार लोगों की इंटेंशन पे डाउट करती हूँ, तो वो काफी कम हुआ है मुझे। वेरी नाइस, और बहुत मुझे हर बार यही दिखता था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दे डोंट वांट मी टू डू द जॉब, इस तरह से बहुत बढ़िया। बार हस्बैंड की इंटेंशन पे भी और काफी मदर इन लॉ की इंटेंशन पे भी। तो ये चीज मेरी अभी बहुत ठीक हुई है, मतलब मैं अभी बिल्कुल भी इसको इस तरह नहीं लेती अपनी। मुझे दिखता है कि मैं ज्यादा जगह पार्टिसिपेट करूं और मेरी जिम्मेदारी सब जगह है कमिटमेंट के साथ, और इसी के कारण फिर मेरा ये भी भाव बना कि जहाँ मुझे हेल्प की जरूरत है मुझे हेल्प लेनी है। पहले मैं हेल्प के लिए भी नहीं कह पाती थी क्योंकि वही मुझे ऐसा दिखता था कि शायद वही मैं स्पेशल हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगी ऐसा भी। तो ये भी ठीक हुआ दीदी, बहुत ठीक हुआ ये भी। स्पेशल हूँ, और ये भी हो सकता है कि भाई मैं सब खुद कर लूंगी तो दूसरे का मेरे प्रति अच्छा भाव होगा, या ना हम जी दूसरे से जो एक्सपेक्ट करते हैं सही भाव, राइट जी फीलिंग, वो भी हो सकता है। जी बढ़िया। हाँ जी, ठीक बात है दीदी। ये भी कहीं कहीं लगा कि मैं दूसरे को मतलब का भाव लेने के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जी बहुत अच्छा।